Hello, what's up everybody and welcome back to another vlog. तो आज है फ्राइडे और सुबह के बज चुके हैं 10. तो मैं थोड़ी सफाई वफाई करना चाह रहा था, रूम को सेट करना चाह रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया. एक मतलब मैं अंदर अपार्टमेंट का व्लॉग बनाना चाह रहा था. तो पहले मैं फ्रिज को आज थोड़ा साफ करने वाला हूँ, रिफिल करने वाला हूँ हर चीज़ को. तो आप बने रहिए मेरे साथ, इट विल बी ग्रेट ग्रेट टाइम स्पेंडिंग विद मी फॉर श्योर. एज यू कैन सी, रूम की हालत साफ नहीं है. ये देखो सब कुछ कैसे पड़ा हुआ है. यहाँ पे भी कुछ साफ नहीं है. मैंने अभी कुछ बना के इसमें रखा है, डालने के मीट बनाया मैंने आज. और फ्रिज पे देखो हालत क्या है, कि बिफोर और हम आफ्टर भी दिखाएंगे इसके बाद कैसा सीन होगा. तो सबसे पहले ये वाला है, इसमें हम पहले डालेंगे कैंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो कि मैंने बना के रखे हैं. वन द टॉप वन यहाँ पे जाएगी जेलो. ये बन गया. अरे मैं और इसके साथ एनर्जी ड्रिंक, इसके साथ एनर्जी ड्रिंक ये वाली और मिल्क शेक्स एक और. लेट्स सी ये यहाँ पे आता है नहीं आता है. ये तो आ जाएगा, लेकिन एक और है मेरे पास बॉडी आर्मर. ये नहीं आएगा, इसको रहने दो बाहर, इसको भी बाहर रहने दो. And it will fit there. Now it's time to put some chocolates. See, सब energy bars हैं, proteins bar हैं सब के सब. ये देखो ये आ गया. और यहाँ से थोड़े सॉस वगैरह रख लेते हैं वापस. ये रेंच आ गया, ये वाली ड्रिंक यहाँ आ जाएगी और ये वाला भी यहाँ आ जाएगा. तो ये वाला भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया. बचा है सबसे नीचे वाला, तो उसमें पहले सबसे पहले डालते हैं सिंपली लेमनेड. यहाँ पे रख लिया. और ये कुछ इसमें है, मुझे नहीं पता क्या है, ये वहाँ चला गया. ये है पास्ता का सॉस, ये है पिकल यहाँ का अंग्रेजी पिकल, और ये चला गया. और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आपको गेस करना है कि ये क्या है. मुझे कमेंट में बताओ ये क्या है. कमेंट करने वाले को मैं 200 रुपये पेपॉल करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं. यहाँ पे वो चल गया. और कुछ पानी की बॉटल्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखनी है. दैट्स फाइन, वाला भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी और वो भी. इस वाले पे डालते हैं यहाँ का मूल बटर, अंग्रेज़ों का मूल बटर. ये गया यहाँ पे. और क्या डालें, ये यहाँ पे. और कुछ पॉपकॉर्न सोचे थे वो मैं यहाँ रखता हूँ, इंडिया से लाए थे मैंने अभी तक यहीं पे. इट्स टाइम टू पुट सम फ्रूट देयर. गॉट सम एप्पल्स, ये कश्मीरी सेब है. और ये सब चले गए, ये वाला भी खत्म. पहले मैं ऑलरेडी लेमन गार्लिक वगैरह सब कुछ रखा हुआ, तो मैं इसको नहीं छेड़ने वाला और उसमें बंद करने. और देखो यहाँ पर मिर्ची को बोलते हैं सिरानो. तो यहाँ पे एग की ट्रे आ गई है, मैं इसको लेकिन नीचे रखने वाला, नीचे रख लेता हूँ इसको. यहाँ पे ऊपर मिल्क के लिए जगह रखते हैं. एक एंड वन मोर टू गो. दो यहाँ पे आ गए, खाली होने वाला है इसमें थोड़ा सा बचा. तीसरा यहाँ पे आ गया. बीच वाले में हम ब्रेड रखते हैं क्योंकि ऊपर वाले पे ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए. तो और एक और ब्रेड है हमारे पास, ये आधी है. यहाँ पे थोड़े बंस हैं, कभी बर्गर बनाना हो तो उसके लिए. तो ये सब स्टफ्ड हो गया, ये ख़त्म. ऊपर वाले में ये रखने वाला हूँ, लिटिल डबी का केक है, ये एक आ गया. और मेरे पास एक और है, इसके ऊपर ये आ गया. एक और है, इसके ऊपर ये आ गया. एक रीसी के कप केक्स हैं, ये कहाँ चले. रीसी के कप केक्स को भी आल्सो गो ऑन टॉप ऑफ दैट. जब भी कुछ चाहिए यहाँ से निकाल के ले लो, यहाँ से निकाल के ले लो. इसको थोड़ा सामने के ले कर निकाल के ले लो. एक चीज़ भूल गई, वो है स्विस रोल. स्विस रोल्स इसके ऊपर जाएंगे, रीसी कप इसके ऊपर जाएंगे. देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है. यहाँ पे जगह बच गई, यहाँ पे मैं ओलियो रखता और ये वहाँ चला गया. इसमें दही है, दही को यहाँ रखते हैं. स्ट्रॉबेरीज बची हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज वहाँ जाएंगी. इसमें डेट्स हैं, डेट्स भी वहाँ जाएंगी.
ये एक और इसमें दही है। दही को ये देखो, ये देसी नेचुरल दही यहाँ मिलती है इंडियन स्टोर पे, तो वहाँ से लाई है। ये सब चला गया वहाँ पे। ये स्निकर का पैक है, इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और थोड़े से टमैरोस राइट देयर। और ये देखो सुबह सैंडविच का इसलिए सारा चीज़ है इसमें, ये इसमें डाल देते हैं। तो ये सारा सुबह सैंडविच, ये सॉरी सुबह सारा ब्रेकफास्ट का सामान है। और ये एप्पल वगैरह यहाँ पे, इस सब मैं जिम के लिए रखा है सारा मैंने इसमें सामान। ये कभी पीता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पीता। और ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सारा कैसा लग रहा है। सो फाइनली 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा होगा, मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया। मैं कब से प्लान बना था कि मुझे साफ़ करना है, फाइनली मैंने आज साफ़ कर लिया। तो देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में गाइस, और सब्सक्राइब भी करो यार। मैंने आज मीट बनाया था, देखते हैं कैसा बना होगा। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं खाने में कैसा होगा। भाई कुक भी बन गया। सो गाइस मैं अभी रूम के बाहर आया था, तो यहाँ पे कुछ फेयर लगा हुआ है, इटली इटालियन फेयर कुछ लगा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। यू सी, मतलब डाउनटाउन में यहाँ पे लगा हुआ है ये। ये हमारा लेमनेड बन रहा है, ऑसम। अब बस कर यार, इसको मैंने बोला वीडियो बनानी है, घुमाते ही जा रहा है बुड्ढे, बस भी कर अंकल। थैंक यू सर, ऑलराइट। स्पार्क हियर गाइस, यहाँ पे लेमनेड पीते हैं। और यहाँ से देखो नज़ारा, इट्स बीन हॉट डे हियर, वेरी वेरी हॉट। तो गाइस मैंने अभी लेमनेड पिया साइकिल पे, यहाँ सामने था, मैं बाहर आया था, देखा क्या हो रहा है। असल में मैं हेयर कट के लिए आया था, फिर देखा यहाँ पे ये हो रहा था, मैं कहा लेट्स गो एंड सी। तो यहाँ पे भी अमेरिकन वर्जन, इंडियन मेले का अमेरिकन वर्जन लगा हुआ था, तो वहीं पे गए, थोड़ा देखा क्या चल रहा था। लेकिन स्टेक वगैरह सब कुछ बन रहा था। तो बहुत गर्मी है यहाँ पे भी, आई थिंक अराउंड 35 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे आज। तो कभी बाद में आएंगे, आज नहीं। तो लेट्स गो बैक होम। सो मैं यूनिवर्सिटी से जा रहा हूँ, मैं आपको सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी भी दिखा लूँ। सो पीछे देख रहे हो जो यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है, इसका नाम है एनक्लेव, और आगे दिखाता हूँ। दिस वन इज़ द जोन्स हॉल, और यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे मैथ्स की क्लास लगती है। पीछे चिपोटले, यहाँ पे हम लंच वगैरह के लिए कभी कभी चले जाते हैं। ये यहाँ पे जोन्स हॉल है, जब भी इंटरनेशनल बच्चे आते हैं तो वो यहीं पे आते हैं सारे। कमाल, मेरे एक हाथ में ड्रिंक है, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, और एक हाथ से व्लॉगिंग चल रही है। मल्टीटास्किंग की सारी इंतहाएं ख़त्म हो गई है। सो लेमनेड का जुगाड़ मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको फिक्स किया यहाँ पे, एंड लेट्स गो टू यूनिवर्सिटी साइन। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स मूव टू द यूनिवर्सिटी। इससे पहले मैंने शायद कभी व्लॉग नहीं बनाया यूनिवर्सिटी का। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल लगती है समर्स में, सर्दियों में उतनी बेकार। तो यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, लेकिन सब कुछ खुला ही है। ये है जॉन्स हॉल, ये है लाइब्रेरी, यहाँ की मार्ग लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैथ्स की क्लास लगती है, मुझे इतना पता है। तो ये यहाँ से है लाइब्रेरी, इट इज़ ब्यूटीफुल। मुझे सबसे अच्छी जगह कॉलेज में यही लगती है, शांति रहती है, कहीं भी किसी 4th-5th floor पर चले जाओ। और यहाँ से इसका ये मेन कैंपस है। ये देखो मेरे पीछे लाइब्रेरी है, और उस साइड देखोगे तो उस साइड कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। ये यहाँ से कोई वार्ड बीकर हॉल है, ये देखो सारी यूनिवर्सिटी। असल में आज फ्राइडे है, तो बच्चे कोई भी नहीं देखेंगे, ऊपर से समर्स है, तो समर्स में मोस्टली कोई क्लासेस लेता नहीं है। तो समर यहाँ पे 4 महीने ऑफ रहता है। सो ये वहाँ का, वहाँ पे जहाँ पे मैं क्लास में जाता हूँ, वो वहाँ से जाता हूँ।
इफ यू सी दैट साइड, वो बिल्डिंग दिख रही है आपको पीछे, वहाँ पे मेरी क्लासेस लगती हैं, मतलब इंजीनियरिंग की क्लासेस वहाँ लगती हैं। और यहाँ पे बाकी मुझे सबका पता नहीं, लेकिन वहाँ पे आगे किलकॉली सेंटर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, मतलब लेंथ वाइज, नॉट द हाइट वाइज, लेंथ वाइज काफ़ी बड़ी है। तो कॉलेज के कैंपस के पूरे बीच में यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे बच्चे बैठ के रिलैक्स करते हैं समझ में, और वहाँ पे फाउंटेन चलता है लेकिन अभी बंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट यार ये सबसे अच्छी जगह देखो, रिलैक्स, बिल्कुल मौसम भी अच्छा हो जाता है, सनलाइट नहीं आती क्योंकि ऊपर देखो कैनपी इनकी बनी हुई है, वहाँ पे वो किलकॉली है। और यहाँ पे दूसरा हॉस्टल है इनका, इसका नाम है किलकॉली, या किलकॉली है इसका नाम। तो यहाँ पे पहुँच गए हम यूनिवर्सिटी सर्कल में, और ये देखो यहाँ पे वाई बना हुआ है, यंगस्टाउन का वाई। यहाँ से आप दोबारा रोड की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ से आप कैंपस की तरफ जा सकते हो। तो ये है दूसरी बिल्डिंग, किलकॉली हाउस, यूनिवर्सिटी हाउसिंग है, ये भी यहाँ पे हॉस्टल है। और उसके सामने खाने की सबसे फेवरेट जगह मेरी वो है चिकफिले, वहाँ आगे ये है चिकफिले का एरिया, यहाँ पे बाहर बैठ के भी खा सकते हो, अंदर भी खा सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड, हमने काफ़ी खेला यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह, लेकिन अभी कुछ रेनोवेशन लगी आप देख रहे हो वहाँ। दिस इज़ द चिकफिले, बहुत ज़बरदस्त चिकन सैंडविच होता है इनका बहुत। और वो जो एरिया आप देख रहे हो सामने, मैं दिखा रहा हूँ आपको वो वाला, वहाँ पे कैंपस की जिम है, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जिम है। और उसके अलावा आप देख रहे हो ये वाली जो बिल्डिंग है, इस वाली बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बास्केटबॉल के बहुत बड़े बड़े मैच होते हैं, मतलब हाँ एक बार मैं गया था, तो वहाँ मैं आपको बाद में ले जाऊँगा, लेकिन अभी आई एम लिटरली टायर्ड। तो अभी नहीं, वो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, और यहाँ का ये ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, फेडर हॉल, यहाँ पे आर्टिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनकी क्लासेस वगैरह, उनका मतलब वही उनको मैंने यहाँ पे देखा है, तो उनकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे लगती हैं। और ये देखो हम थोड़ा सा आगे आए और यहाँ पे पहुँच गए हैं यूनिवर्सिटी का जो इंडोर स्टेडियम है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है बहुत, ये इसका नाम है वॉटसन एंड ट्रेसल, ट्रेसल जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो कि अब रिटायर हो जाएंगे जनवरी में। और अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे इनका सॉकर ग्राउंड है, ये जो सॉकर ग्राउंड है बहुत बड़ा है, कैमरे में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे शायद मैच होंगे, मैं आपको वहाँ पे भी ले जाऊँगा, उस दिन भी हम ब्लॉग बनाएंगे। और ये वाली जो बिल्डिंग मैं आपको बोल रहा था इंडोर स्टेडियम वाली, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी खूबसूरत है अंदर से। और वहाँ पे जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आगे, वो बिल्डिंग्स वो भी सारी यूनिवर्सिटी की हाउसिंग है, सारा बहुत सारी हाउसिंग की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और ये पार्किंग यहाँ पे, एक वाली पार्किंग यहाँ है। तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, एंड लेट्स गो। ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पे जो देखोगे वहाँ पे अलग से इनकी हाउसिंग आती है, उसका नाम लाइडन हाउस है, कफारो हाउस है, वहाँ पे हम सारे आ गए। ये देखा आपने पीछे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे ये हाईवे मतलब ब्रिज है, नीचे इसके हाईवे है, ये कनेक्ट करता है आगे वाली बिल्डिंग्स को। तो ये देखो चल रहे हैं हम अपनी रूम की तरफ, यहाँ पे और यूनिवर्सिटी हाउसिंग है, देखो स्क्वाड लो, हमें स्क्वाड स्क्वाड, ये कफारो, वो लाइडन, और वहाँ पे मेस, खाना जहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे क्रिसमन डाइनिंग सेंटर वहाँ पे है। एंड लेट्स गो, आई एम अप लाइक अबाउट टू रीच माय रूम। आपने देखी कितनी बड़ी है, लिटरली मैं तब भी आधी जगहों पर गया ही नहीं, लेकिन मैं थक गया बहुत ज़्यादा, इसलिए डायरेक्टली रूम पे जाना। और आज का टेम्परेचर मिल गया 35 डिग्री है यहाँ पे, इट्स टू मच। तो रूम पे चलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4, एंड लेट्स गो। सो मेनी पीपल्स आस्किंग मी कि कैंपस का टूर। सो ये था कैंपस का टूर, ऊपर से, मतलब उतना हर जगह नहीं मैं दिखा पाया, वो बहुत हैक्टिक हो जाएगा, बट इतना आप सबके लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, और लाइक के बटन को ठोको। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।